आज बोकारो में लॉकडाउन का छठा दिन है। मैं सुदीप, आपको शहर के अलग अलग जगहों पर क्या व्यवस्था क्या सुविधा है उसके बारे में बता रहा हूँ। अभी हम आए हुए हैं थर्ड में हैं, हमने राशन वालों से बात की, सब्जी वालों से बात करके जानेंगे कि क्या उनकी आपूर्ति पूरी हो रही है कि नहीं। अच्छा, हम ये जानना चाहते हैं कि राशन जो आप लोग रखे हैं तो आप लोग को उसमें लाने में या उसमें कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? दिक्कत हो रही है। तो आपको माल पूरा नहीं मिल पा रहा है? नहीं, कोई कंपनी वाला भी नहीं आ रहा माल लेने, कोई आईटीसी हिंदुस्तान लेबर कोई कंपनी नहीं आ रहा माल लेने। तो जो लोग आपके यहाँ राशन लेने आ रहे हैं तो वो क्या खाली हाथ लौट रहे हैं? जो मैंने आधा जो मौजूद है कुछ सामान दे रहे हैं, कुछ सामान नहीं दे पा रहे। अभी ब्रेड वाला आया तो ब्रेड मांगे तो बोलता माल ही नहीं है, ब्रेड हमको नहीं दिया वो। जैसा प्रशासन कह रही है कि किसी को कोई दिक्कत नहीं होने देंगे, तो आपको क्या लगता है कि मतलब वैसा नहीं पॉसिबल? बहुत दिक्कत टीवी में, रियल में, टीवी में, और प्रशासन कह रही है कि ये सुविधा, लेकिन रियल स्तर पर कोई सुविधा नहीं। अच्छा, मतलब माल अवेलेबल नहीं है या फिर ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत? कोई मतलब कोई कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर हम लोग को माल देने नहीं आ रही है, जाने में वहाँ परेशानी है, सारा दुकान लॉकडाउन हो जा रही है। जैसे आटा चावल दाल इसमें कमी नहीं होनी चाहिए? हाँ, आटा चावल में कमी नहीं होना चाहिए। तो वो आपको भरपूर मात्रा में है बाजार में? बहुत तेज, इतना मतलब 200 रुपया महंगा लोग बेच रहा है वहाँ बाजार में। हम लोग वहाँ से महंगा एक एक गाड़ी पर भी अपना लाद के ला रहे हैं, यहाँ कस्टमर बोलता है कि आप लूट नहीं। तो प्रशासन ने एक नंबर जारी किया है जहाँ आप कॉल करके बता सकते हैं काला बाजारी हो रही है, तो उसके बारे में आपको जानकारी है? कल तो 50 में कंप्लेन किया था लोग, आया थोड़ी देर के मार्केट बंद हो गया, फिर क्या क्या समझौता हुआ, फिर मार्केट खुल गया, फिर वही स्थिति है। कल का न्यूज बता रहा हूँ मैं, कल कोई किसी ने कम्प्लेन किया कि हमसे मनमानी ले रहा, आया दो आए वो डांटे उटे, फिर पूरे मार्केट बंद हो गया, आधा एक घंटा के लिए अफरा तफरी मच गई, और फिर कुछ समझौता हुआ क्या हुआ मुझे नहीं पता, मैं तो वहां चला गया, और उसके बाद फिर खुल गया, फिर मनमानी पैसा लोग ले रहे। दूध दही की सप्लाई में कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? दिक्कत आ रही है, माल पूरा नहीं मिल रहा हम लोग को, दही हुई हम लोग को नहीं मिल रहा है, टाइम कर दिया गया है, टाइमिंग भी कर दिया गया है। अच्छा, पहले कितनी बार मिलता था? पहले दो बार मिलता था सुबह शाम, और तो अभी शाम को तो ऐसे भी बंदी है, तो सुबह जो आ रहा है वो आप जितना डिमांड कर रहे उतना नहीं दे पा रहा है क्या? नहीं, उतना नहीं दे रहा है, आज दो पेट काट दिया गया जितना ऑर्डर किए थे इसमें से। अच्छा, तो जरूरत के हिसाब से सप्लाई नहीं कर पाए, तो आपके पास जो लेने आ रहे हैं तो उन लोग मतलब वापस खाली हाथ भी लौटना पड़ रहा है क्या? नहीं, खाली हाथ तो नहीं, हम लोग तो मेंटेन करके आना चला रहे हैं। मतलब एक तरह से देखा जाए तो सप्लाई बाधित उतनी नहीं है, नहीं पर और डिमांड चाहिए आपको, और दूध चाहिए? डिमांड दही दूध पनीर ये सब नहीं मिल रहा है हम लोग। मतलब बेसिक चीज तो अभी पनीर नहीं है, दूध है, ब्रेड और इन सब चीज की सुविधा है? हाँ, ये सब सुविधा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुमित कुमार है। और इस मार्केट के बारे में बताइए। मार्केट में सही सब का चल रहा है, ये शिव राशन नहीं मिल पा रहा है, क्या से हम लोग कोई उपाय नहीं है लाने का सामान। क्यों, वहाँ क्या दिक्कत हो रही है? आने जाने पे रोक है क्या? आने जाने में माल हम लोग को वहाँ पास नहीं करने दिया जा रहा। अच्छा, ना जाने दिया जा रहा हम लोग को, जहाँ हम लोग पब्लिक के लिए दे सके राशन। आपको क्या लगता है प्रशासन से आपको क्या मदद की जरूरत होगी? हम लोग ऐसे बिजनेस वाला के खास कर आना, हम लोग को जाने दे, जो पब्लिक की सेवा करने में हम लोग दे साथ, बस।